हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय गार्डन। आज मैं आपके साथ में रेनू क्लास फ्लावर शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे रेनू क्लास बहुत सुंदर निकल रखे हैं। चार लगा रखे हैं मैंने, चारों अलग अलग कलर के हैं। तो देखिए आप, ये येलो कलर का है, ये देखिए बहुत सुंदर है। ये येलो कलर भी देखिए, मेरे चारों कलर जो है बहुत सुंदर है। देखिए अभी जो है इसमें जो है दो कलियां और आ रखी हैं। ये देखिए येलो वाले में एक ही रेड कलर का है मेरे पास। देखिए एक ही है ऑरेंज कलर का है ये मेरे पास। इसमें भी देखिए दो कलियां और आ रही हैं मेरी। अभी नीचे जो है और आ रही है, ये देखिए निकल रही है। अभी एक कली जो है, ये देखिए यहाँ पे ये कलियां निकल रही हैं अभी। तो ये देखिए एक मेरे पास में ये पिंक कलर का है, इसमें भी देखिए कलियां आ रखी हैं मेरी। देखिए बहुत खूबसूरत फ्लावर है ये देखिए। इसके जो है इसे अगले साल के लिए जो है इस पौधों के रख सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये है पौधा, जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो आप इसको उखाड़ के, जब ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इसको उखाड़ लीजिए। और उखाड़ने के बाद जो है नीचे जो है इसका जो बल्ब होता है उसको आप रख सकते हैं। बल्ब को जो है यहाँ से जो है आप इसको ऊपर से फिर तोड़ दीजिए, और जो बल्ब होता है उस बल्ब को जो है आप जो है अच्छी तरीके से जो है पानी से धो के और उसे सुखा लीजिए। जैसे ड्राई हो जाए जब वो अच्छी तरीके से, तो उसको जो है आप एक जैसे ये पेपर में, जैसे अखबार है तो अखबार में जो है उसको रोल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख दीजिए आप उसको। फ्रिज में रख देंगे तो फिर अगले साल जो है आप उसको निकाल के जो है थोड़ी देर धूप में रख के उसके बाद जो है उसको दोबारा से लगा सकते हैं। इसको देखिए, जब मैं इसको जो है प्रिजर्व करूंगी, इसके तो नीचे जो बल्ब है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे रखना है। ये देखिए ये अगले साल के लिए भी तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।